हरदा एमपी में कांग्रेस के पूर्व विधायक पर एफआईआर के मामले में जिला कांग्रेस कमेटी ने सिविल लाइन थाने का घेराव कर थाना प्रभारी पर एफआईआर नहीं लिखने का आरोप लगाया है। थाने के सामने धरने पर बैठे कांग्रेसी एसडीओपी अर्चना शर्मा ने निष्पक्ष जांच करने की बात कही। कांग्रेस के पूर्व विधायक आर के दोगने पर एफआईआर का विरोध प्रदर्शन कर थाने का घेराव कर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और समर्थक पहुंचे थाने। मामला कृषि मंत्री कमल पटेल का 70% कमीशन वाला फोटो बारकोड पोस्टर हुआ था सोशल मीडिया पर वायरल, जिसमें कृषि मंत्री समर्थक पूर्व भाजयुमो जिला अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने सिविल लाइन थाने में पूर्व विधायक आर के डॉग होने पर एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसको लेकर देर रात जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने विरोध करते हुए इसी तरह कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक बयान जारी किया था, जिसमें कमलनाथ अनाथ करने धूल चाटने वाले बयान को लेकर कांग्रेसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करने की बात को लेकर अड़े रहे और थाना प्रभारी पर आरोप लगाया कि हमारी एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी कर रहे हैं। थाना प्रभारी और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी नोक झोंक हुई थी। फोन लगाकर आईजी से थाना प्रभारी की कांग्रेस नेता ओम पटेल ने शिकायत भी की थी। देखिए, अभी हाल ही में थाना सिविल लाइन में एक एफआईआर पंजीबद्ध की गई है, जिसमें जो पूर्व कांग्रेस विधायक हैं दुगने जी के द्वारा उनकी फेसबुक आईडी से जो वर्तमान माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल जी हैं, तो उनके संबंध में कुछ कूटरचित दस्तावेज वगैरह क्रिएट करके कुछ आपत्तिजनक पोस्ट डाले गए हैं। तो उसी के तारतम्य में आज ये सभी लोग कांग्रेस वाले हैं, वो 20 से 25 लोग आए थे। उनका ऐसा मानना है कि एफआईआर झूठी हुई है, तो उसी के संबंध में वे जाँच चाहते हैं। तो मेरे द्वारा उनको आश्वासन दिया गया और इसमें जो भी कार्रवाई होगी, चूँकि अभी एफआईआर विवेचना में, तो जो भी जाँच होगी, जो भी कार्रवाई होगी, उसके हिसाब से आगामी कार्रवाई इसमें हम लोग करेंगे। अभी कहाँ लगे इसका तो अभी कुछ क्लियर नहीं है। अभी मैंने टीम इसमें लगाई है कि पोस्टर कहाँ कहाँ से लगे और कैसे इस आईडी के माध्यम से हैं। हमारी साइबर टीम भी इसमें काम कर रही है, तो वो विवेचना का विषय है और जैसी उसमें जानकारी मिलेगी तो उस हिसाब से आगामी ज़्यादा निकाल कमल पटेल के विरुद्ध जो है एक बार जाँच, अभी थाने पर आवेदन लिया गया है और उनको आश्वासन दिया गया है और जो भी सही होगा, जो भी लीगल वैधानिक होगा, वैसे ही हम लोग करेंगे इसमें। ठीक है, धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।